साकी का हिंदी वर्जन देखने के लिए डिस्क्रिप्शन देखें। एक बार गुरु नानक देव जी अपने शिष्यां दे नाल एक अजेहे नगर जा पहुंचे जिथे ना आनसी अते ना ही अग। सदियां तो उत्थे एक परंपरा चली आ रही सी कि उत्थों दे लोक भेड़ मार के उस दे मांस नूं सूरज दी गर्मी नाल पकांदे सन अते अपना पेट भरदे सन। ओ अपने नगर आए लोकां नूं वी भेड़ दा मांस ही खिलांदे सन। गुरु जी ईश्वर दा जाप कर रहे सन कि उत्थे एक भेड़ चराण वाला आया। गुरु जी नूं प्रणाम करके बोलिया, संत जी मैं आप जी नूं भोजन खिलाना चाहुंदा हां। साडी परंपरा ते अनुसार मैं एक भेड़ नूं मारदा हां, आप जी कृपा कर उस भेड़ दा सेवन करो। अगर आप जी एजिया नहीं करोगे ता मेरे स्वामी बहुत नाराज होंगे अते ओ कहेंगे तू मेहमान नूं भुख्या ही रखिया। गुरु जी ने कहा, जिवें तुहाडी मर्यादा है उसी तरह ही करो। उसने पत्थर उपर पेड़ दा मांस रखिया अते सूरज दी पूजा करन लगा। कुछ समय बाद मांस पक गया अते ओह गुरु जी नूं कहन लगा, हे संत आओ अते भोजन करन करो। गुरु जी कहन लगे, इस पेड़ दी खल अते हड्डियां नूं इकट्ठा करो। उस आदमी ने उवें ही किता जिवें गुरु जी ने कहा सी। गुरु जी ने कहा, हे पेड़ घा खाओ। जिवें ही गुरु जी ने अजिहा कहा, भेड़ां चराण वाला हैरान हो गया। गुरु जी ने उसनू कहा, हे मित्र तुसी नगर जाओ अते किसी वड्डे आदमी नूं बुला के लियाओ। कहो कि तुहानू संत बुला रहे हन, तुहानू ओ परमात्मा तो अग अते अन्न दिवा के देंगे। उस आदमी ने उवें ही किता जिवें गुरु जी ने कहा सी। नगर दे एक तनी व्यक्ति नूं ओ कहन लगा, स्वामी नगर ते कोल एक संत आए हुए हन, उनाने ता एक मरी हुई पेड़ नूं जिंदा कर दिता। की कह रहे हो, एह जेहा कीवें हो सकदा है? ए जेहा ही होया है स्वामी, आप मेरे नाल आओ, ओ आप नूं बुला रहे हन, ओ कहंदे हैं सानू अंते अग देवांगे। ए सुन के तनी गुरु जी दे कोल आया। गुरु जी ने उसनू कहा, हे मित्र संत दे कोल खाली हाथ नहीं आंदे, थोड़ा जेहा अनाज लेके आओ। हे महाराज एथे ता अग ते अनाज दा प्रयोग ही नहीं होंदा, साडी परंपरा ते अनुसार असी पेड़ नू सूरज दी गर्मी नाल ही पकांदे हां अते खांदे हां। पर जे तुसी मैनू कह रहे हो ता मैं राजे कोल जा के कह देंदा हां। राजा भी ये सुन के हैरान हो गया, तुरंत गुरु जी दे सामने हाजर हो गया। गुरु जी ने राजे नूं कहा, हे राजन जेकर तुसी ईश्वर दी भगती सच्चे दिल नाल करोगे ता ओह परमात्मा तुहानू अते तुहाडी प्रजा नूं सब कुछ देवेगा। गुरु जी ने राजे नूं कहा, कित्थों वी अन्न दा प्रबंध करो। गुरु जी दी आग्या मन के अन्न दा प्रबंध कीता गया। गुरु जी ने कहा, हे राजन इसनू बो दियो। समा बीतिया अते उत्थे हरी परी खेती हो गई, नगर विच अनाज ही अनाज हो गया। गुरु जी कहन लगे, इस प्रकार समय ते ईश्वर दा नाम जप के अनाज बोया करो, ईश्वर भला करनगे। सारे गुरु जी दे शिष बन गए। गुरु जी ने सारिया नू उपदेश दिता, ईश्वर दा सिमरन करो, गरीबां दी सेवा करो अते मेहमान दा आदर करो, ताही तुहाडा कल्याण होवेगा। गुरु जी ने पेड़ नूं जीवन दान दिता अते उस पूरे पिंड दा खाना पीना बदल दिता अते गुरु जी अपनी अगली यात्रा लई चल पए। सतनाम श्री वाहिगुरु। शताब्दी विच बाबर ने हिंदुस्तान दे अमीनाबाद नामक शहर विच हमला किता।
उस हमले दौरान उसने गुरु नानक देव जी अते उन्हां दे अनुयायियां नूं वी जेल विच पा दिता। बादशाह दा सिपाही आया ते जेल विच बंदी बने लोकां नूं बोलिया, सामने आटा पिसन वाली चक्की है, सारे लोकां नूं हुकम दिता जांदा है कि साडे सिपाहियां लई आटा पिसन शुरू कर दिता जावे। सारे बंदी आटा पिसन लगे अते गुरु नानक देव जी बहुत गौर नाल चक्की वाल देखन लगे। गुरु जी दे आशीर्वाद नाल चक्की अपने आप चलन लगी। गुरु जी दी इस करामात नूं देख के सारे लोग दंग रह गए अते हाथ जोड़ के गुरु जी दे सामने खड़े हो गए। एक सिपाही बाबर दे दरबार विच गया अते बाबर नूं कहन लगा, बादशाह सलामत रहे, बादशाह सलामत रहे। हुजूर जेल विच बहुत पहुंचे हुए संत बंधन, सारे बंदी जेल विच आटा पीस रहे सी, पर उस संत दी चक्की ता अपने आप ही चल रही सी। बाबर आप गुरु जी दे कोल गए अते उन्हां नूं कहा, सानू माफ कर दियो, साडे करके आप जी नूं कष्ट उठाना पिया। असी आप जी नूं विनती करदे हां, आप जी साडे नाल दरबार विच चले, साडी सेवा आप जी स्वीकार करो। गुरु जी बोले, मेरा प्याला भरिया होया है, मेरे रोम रोम विच ईश्वर दा प्यार भरिया होया है, इस लई मैं तृप्त रहंदा हां। हे राजा सुनो, जाओ अते अपनी सेना दे कारण हुई तबाही नूं देखो, दूजिआं नूं हरान वालिआं तों चेतावनी लो, जो अज जेतू हन ओह कल हार झेल सकदे हन। ओह राजा किथे है जिसने इत्थे पहला शासन किता सी, ओह सिपाही किथे हन जिन्हां ने जित प्राप्त कीती सी, ओह घोड़े ओह अस्तबल किथे हन, ओह तबाही करन वाले जिन्हां ने लोकां नूं मार के खुशियां मनाईयां सन, अज कोई भी नहीं है। वक्त ने वड्डे वड्डे सूरमियां दे तखत पलट दिते हन। इह सारी वार्तालाप सुन के बाबर गहरी सोच विच पै गया अते गुरु जी नूं कहन लगा, गुरु जी मैनूं आग्या दे, मैं आप जी लई की कर सकदा हां। गुरु जी बोले, कुछ भी नहीं, मेनू ईश्वर ने अपना संदेश फैलाण लई भेजिया है। मैं ता सिर्फ उन्हां दी कृपा अते तोहफ़ियां दा आनंद लैंदा हां, जो ईश्वर दे दित्ते होए प्यार अते मुहब्बत दे तोहफ़ियां नूं त्यागदा है, ओह किसे भी थां दा नहीं रहिंदा, ओही राजा बनांदा है अते ओही इक पल विच उस नूं मिट्टी विच मिला दिंदा है। ओ गुरु, ओ पीर, मैनू दसो कि मैं कीवें अपना जीवन सही राह ते ला सकदा हां। गुरु जी बोले, सारिआं लई जियो, किसी नाल भी अन्याय ना करो, कदी भी सच दे रस्ते नूं ना छड्डो। जे तुसी चाहुंदे हो कि तुहाडियां गलतियां नूं कोई माफ कर देवे, तां तुसी भी दूसरिआं दीआं गलतियां नूं माफ करो। बाबर नूं जीवन दा ज्ञान दे के गुरु जी अगली यात्रा लई चले गए। सतनाम श्री वाहिगुरू।